मूंग दाल के पकौड़े तो आप सबने जरूर खाए होंगे, बट क्या आपने कभी उसकी रसीली और चटपटी सब्जी ट्राई करी है? अगर नहीं करी है तो ये रेसिपी देखकर जरूर करें, बट उससे पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मूंग दाल को 2 से 3 घंटे भिगोने के बाद उसे अच्छे से मिक्सर में पीस लो और एक अलग बर्तन में निकाल लो। के बाद इसे हाथ से या ब्लेंडर से अच्छे से चलाते रहना है जब तक कि इसका रंग सफेद ना हो जाए और ये फूल ना जाए। फिर थोड़े से धनिए, हरी मिर्च और अदरक को पीसकर इसमें मिला दो। अब अपने सारे मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिला लो और तेल गरम करके पकौड़ियों को धीमी आंच पर गोल्डन होने तक सेक लो। और देखिएगा, आपकी पकौड़ियाँ इस रेसिपी से एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेगी। मैं ये ज़रूर एक्स्ट्रा बनाती हूँ शाम को चाय के साथ खाने के लिए, और ये वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अब ग्रेवी के लिए एक पैन में तेल डालो, साबुत जीरा और साबुत धनिया डालो और पिसे हुए 2 टमाटर की प्यूरी डाली है मैंने यहाँ पर, और फिर उन्हें अच्छे से भून लो। इसके बाद आपको इसमें अपने सारे मसाले डालने हैं, नमक, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, और इन्हें भी अच्छे से भून लेना है। अब मैंने डाला है यहाँ पर 1 चम्मच दही, बट ये आप स्किप भी कर सकते हो। फिर डालनी है कटी हुई हरी मिर्च और अपना धनिया मिर्च का पिसा हुआ मिक्सचर। फिर खूब सारा पानी डालकर इसमें अपनी पकौड़ियों को डाल के छोड़ दें। ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा ही डालें क्योंकि पकौड़ी पानी पी जाती है। और फिर हरे धनिए से गार्निश करो और इस स्वादिष्ट सब्जी का खुद भी मज़ा उठाओ और सबको खिलाओ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी।